Hello kids, how are you this morning? Fine? Okay, see, today I am going to tell you a story, and the name of the story is The Crow Who Pretended. It is the story about the peacock and the crow. Okay, now listen properly, okay? See, once the crow saw a peacock. Once the crow saw a peacock, and he wanted to be as pretty as a peacock. So what he did? He collected some feathers and stuck the feathers on the body. So what he did? He collected some feather and stuck the feather on the body. But he looked very funny. है ना? पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक क्रो ने एक पीकॉक को देखा और उसको देख के उसको लगा कि उसको भी उसके जैसा सुंदर बनना है. तो उसको क्या है, एक आइडिया आया. तो उसने क्या किया, पीकॉक के फेदर्स लिए और पीकॉक के फेदर्स लेके क्या किया, अपने बॉडी में लगा दिया. तो अगर वो पीकॉक के फेदर लेके अपने बॉडी में लगाएगा तो क्या वो पीकॉक बनेगा? यस नो ना? नाउ आगे सुनो फिर क्या हुआ. ओके, नाउ दिस प्राउड पीकॉक स्टेड एट हिम. प्राउड पीकॉक स्टेड एट हिम एंड सेड, सी दैट फूलिश बर्ड, ही थिंक ही लुक लाइक अस. एंड द अदर क्रोज फ्रेंड ऑल्सो इग्नोर्ड हिम. फिर बाद में क्या हुआ पता है, ये पीकॉक उसके तरफ देखा, क्रो के तरफ, और बोला अपने दूसरे फ्रेंड्स वाले पीकॉक को, सी बोला कि देखो देखो, अरे ये इसने तो अपने पीछे पंख लगा लिए हैं हमारे, और उसको ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसा ब्यूटीफुल लगता है. पर वो ब्यूटीफुल लगता है, छी वो तो कितना गंदा लगता है ना? और फिर दूसरे भी जो क्रो थे ये सब सुन रहे थे, वो भी क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, दे ऑल्सो इग्नोर्ड द क्रो. वो भी क्रो के तरफ नहीं देख रहे थे, उसके दूसरे फ्रेंड्स भी, है ना, वो भी वैसा मुंह घुमा के चले गए. देन फिर पता है क्या हुआ, देन क्रो रियलाइज हाउ फुलिश ही वॉज एंड ही सेड, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फ्रेंड्स, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम हैप्पी to what I am happy to be a crow again, है ना? फिर वो वापस ऐसे दौड़ते दौड़ते हुए गया अपने फ्रेंड्स के पास और बोला, friends, please forgive me. Now I realized how stupid I was. Now I am happy to be crow again. इसका मतलब क्या हुआ पता है, वो वापस अपने फ्रेंड के पास गया और बोला, क्रो प्लीज मेरे फ्रेंड्स मुझे माफ कर दो, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तो बुद्धू था, मुझे लगा कि मैं फेदर्स लगा लूंगा पीकॉक के तो मैं भी सुंदर लगने लगूंगा उसके जैसे, पर मैं तो सुंदर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो मैं उसी में हैप्पी हूँ जो मैं हूँ, मैं क्रो बन के ही हैप्पी हूँ, मुझे पीकॉक नहीं बनना वापस से, है ना? सो What is the moral of the story? आपको पता चला इसमें ये स्टोरी का मॉरल क्या है? Do you understand? See, the moral of the story is we should never pretend to be what we are not. हमको वैसा कभी भी नहीं बनना चाहिए जो हम है, दूसरों को देख के हमको दूसरे जैसा कभी भी नहीं बनना चाहिए, जो हम है ही नहीं वो हमको बनने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, है ना? ये स्टोरी का मॉरल है. ओके, अगेन वन मोर टाइम आई विल रिपीट दिस स्टोरी. ओके, सी वंस द क्रो सॉ अ ब्यूटीफुल पीकॉक एंड ही वांट टू बी प्रीटी एज अ पीकॉक. सो व्हाट ही डिड, ही कलेक्ट सम फेदर एंड स्टक देम ऑन अ बॉडी, बट ही लुक वेरी फनी. पीकॉक ने क्या किया, थोड़े से उसने ये क्रो ने क्या किया, पीकॉक को देखा, उसको लगा अरे ये तो कितना सुंदर लगता है,
मुझे भी इसके जैसा सुंदर लगना है। तो उसने क्या किया, थोड़े से फेदर्स लिए पीकॉक के और अपने बॉडी में लगा दिए। देन द प्राउड पीकॉक स्टेड एट हिम एंड सेड, ओ सी लुक दैट फनी बर्ड इज लुकिंग सो फनी एंड फुलिश, ही थिंक ही लुक लाइक अस। फिर क्या हुआ, ये बर्ड पीकॉक क्रो के सामने देखा और बोला, अरे अरे इसको तो देखो ये कितना फनी लगता है हमारे पंख लगा के, और उसको ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसा सुंदर लगता है ना। ऐसे करके सब पीकॉक उसको चिढ़ाने लगे और फिर सब उड़ गए। और जब उसके दूसरे फ्रेंड्स थे क्रो के, वो भी क्या करने लगे, क्रो को इग्नोर करने लगे। ये सब जब सुना फ्रेंड्स ने, क्रो के फ्रेंड्स ने, तो वो भी उसको इग्नोर करने लगे। देन फिर क्या हुआ पता है, देन क्रो रियलाइज कि हाउ फूलिश ही वाज एंड ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स। तब क्रो को क्या हुआ, तब क्रो को बुद्धि आई कि वो कितना मूर्ख था, हाँ, कि वो अपने मोर के पीकॉक को अपने पीछे लगाता था और कितना गंदा लगता था वो। तो वो उसको रियलाइज हुआ, तो वो कहाँ गया, अपने फ्रेंड के पास गया, है ना। बाकी के जो दूसरे फ्रेंड उसकी तरफ नहीं देखते थे, उसके तरफ गया और उसके पास जाके क्या बोला, क्रो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो स्टूपिड दैट आई थिंक कि आई विल ऑल्सो बिकम सो प्रीटी, है ना। वो ऐसा सोचने लगा कि मैं तो कितना बुद्धू था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी मोर के जैसा बनना है ना। बट आई एम हैप्पी टू बिकम अ क्रो अगेन, पर मैं तो क्रो बन के ही हैप्पी हूँ, मुझे ये पीकॉक जैसा नहीं बनना है ना। वो वापस अपने फ्रेंड के पास जाके सॉरी बोला उसने। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये स्टोरी का मॉरल क्या है, किसी दूसरे का देख के हमको उसके जैसा नहीं करना चाहिए, है ना। वी शुड नेवर प्रिटेंड टू बी व्हाट वी आर नॉट, हम जो है ही नहीं हमको उसके जैसा बनना नहीं चाहिए दूसरे को देख के, है ना। हम जैसे हैं वैसे ही हमको रहना चाहिए। ओके किड्स, डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ओके। नाउ ये आपको घर पे लर्न करनी है, ओके, एंड मम्मा को सुनाना, ओके किड्स।